गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम कोरम हफीज़ है और मैं सेकंड ईयर में आपको मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा। बुक का नाम है अप्लाइड मैथमेटिक्स की और इसका कोर्स कोड है 233। बुक में टोटल 12 चैप्टर हैं जिनको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहले 6 चैप्टर आपका पेपर ए है और बाकी 6 चैप्टर आपका पेपर बी है। पेपर ए भी 75 मार्क्स का और पेपर बी भी आपका 75 मार्क्स का। तो हम स्टार्ट पेपर ए से करेंगे। पेपर ए चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। तो आज के लेक्चर में हम प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। डेफिनेशन है प्रोबेबिलिटी की, द चांस ऑफ एन इवेंट अकरेंस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। किसी काम के होने के जो चांसेस हैं हम उसको प्रोबेबिलिटी कहते हैं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान ही मैच जीतेगा, ये चांस है। आप श्योर नहीं कह सकते कि हाँ जी ज़रूर पाकिस्तान मैच जीतेगा, ये चांस है। ये डिपेंड करता है, चांस है कि पाकिस्तान मैच जीते, चांस है कि पाकिस्तान मैच हार जाए। अगर आप हतमी तौर पे कहते हैं नहीं जी पाकिस्तान ही जीतेगा तो ये दुरुस्त बात नहीं है। हो सकता है पाकिस्तान जीते, चांसेस हैं, हो सकता है पाकिस्तान हार जाए, ये भी चांस है। इसी तरह एक और मिसाल, टॉस ऑफ अ कॉइन। अब जब आप कॉइन को टॉस करते हैं तो आप क्या हतमी तौर पे कह सकते हैं जी इस पे हेड ही आएगा, चांस है। या आप हतमी तौर पर यह भी नहीं कह सकते कि इस पे टेल आएगा, टेल आने के भी चांसेस हैं। तो चांस ऑफ किसी काम के होने के चांस को प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो प्रोबेबिलिटी का जो फार्मूला है, नंबर ऑफ वेज एन इवेंट कैन अकर डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो इन दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। टोटल पॉसिबल आउटकम्स को पहले डिस्कस करते हैं, उसके बाद नंबर ऑफ वेज एन इवेंट अकरेंस ये क्या चीज़ है इसको डिस्कस कर लेते हैं। सैम्पल स्पेस, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैम्पल स्पेस। तो किसी एक्सपेरिमेंट में जो टोटल आउटकम हैं, जो उससे तजर्बात हमें जो मुशाहदात हासिल होते हैं, उनका नाम सैम्पल स्पेस है। मिसाल के तौर पे आप एक कॉइन को टॉस करते हैं तो उस पे जो पॉसिबिलिटीज हैं एक कॉइन के ऊपर, वो हेड और टेल है। एक कॉइन के ऊपर या तो हेड आएगा या टेल आएगी, ये दो पॉसिबिलिटीज हैं। तो इन दोनों पॉसिबिलिटी को हम कह देते हैं जी ये सैम्पल स्पेस है एक कॉइन के ऊपर। इसी तरह एक डाई को आप रोल करते हैं, डाई कहते हैं लूडो के दाने को। तो जब आप उसको रोल करते हैं तो उसके ऊपर 1, 2, 3, 4, 5, 6 आने के चांसेस हैं। तो इसको हम कह देते हैं ये हमारा क्या है, सैम्पल स्पेस है। इसी तरह अगर आप दो कॉइन्स को टॉस करते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास दो कॉइन है तो आप उनको टॉस करते हैं, तो हो सकता है दोनों के ऊपर हेड आ जाए, हो सकता है पहले कॉइन के ऊपर हेड हो और दूसरे के ऊपर टेल हो, हो सकता है पहले के ऊपर टेल हो और दूसरे के ऊपर हेड हो, या हो ये भी मुमकिन है कि दोनों के ऊपर क्या हो, टेल हो। तो ये जो पॉसिबल आउटकम्स हैं उनको हम कह देते हैं कि ये सैम्पल स्पेस है और उनको हम इस तरह नोट कर लेते हैं। इसके बाद जो है वो है इवेंट, इट इज अ सबसेट ऑफ सैम्पल स्पेस। ये जो इवेंट है ये सैम्पल स्पेस का सबसेट होता है। ये मिसाल के तौर पे ये हमने एक सैम्पल स्पेस लिया है, टू कॉइन टॉस हुए हैं, ये टू कॉइंस टॉस होने का सैम्पल स्पेस ये मैंने लिख दिया आपके सामने। तो जो हमारा इवेंट है, लेट ए बी द इवेंट ऑफ शोइंग टू हेड्स, कहता जी कॉइन को टॉस करे और दोनों के ऊपर क्या आए, हेड आए। तो ये इवेंट है हमारा, तो दोनों के ऊपर हेड आने के कितने चांसेस हैं, ये एक ही चांस है, एक ही चांस है। तो ये इवेंट ए जो है ये सबसेट है किसका, सैंपल स्पेस का। तो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं जी। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेट। इसके दो पार्ट है, क्वेश्चन के दो पार्ट है, एट लीस्ट वन हेड।
और दूसरा पार्ट है वन हेड। तो सबसे पहले क्वेश्चन में जब हम स्टार्ट करेंगे तो इसका सैंपल स्पेस बनाएंगे। अब उसने आपको स्टार्ट में सवाल में उसने कहा है कि अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, मतलब दो सिक्के टॉस्ड हुए। तो जो दो सिक्कों का सैंपल स्पेस है वो हमने ये बनाया है, हो सकता है दोनों सिक्कों के ऊपर हेड है, हो सकता है पहले के ऊपर हेड है और दूसरे के ऊपर टेल है, ये भी उस मुमकिन है कि पहले के ऊपर टेल है और दूसरे के ऊपर हेड है, या ये भी मुमकिन है कि दोनों के ऊपर क्या है जी, टेल है। तो ये दो सिक्कों का जो सैंपल स्पेस है ये हमने बना लिया है। एन ऑफ एस का मतलब है नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, ये देखिए 1, 2, 3, 4, तो सैंपल स्पेस में जो टोटल नंबर हैं वो कितने हैं, वो 4 हैं। अच्छा, तो ए पार्ट जो वो हम कहता है, जो हमने जिसकी प्रोबेबिलिटी जो हमने फाइंड करनी है, वो कहता है जी एट लीस्ट वन हेड, यानी हर सिक्के पर कम से कम एक हेड ज़रूर होना चाहिए, एट लीस्ट वन हेड। तो हम सैंपल स्पेस में जाते हैं और देखते हैं वहाँ जाके कि वहाँ एक हेड कहाँ कहाँ पे आ रहा है। मिनिमम एक हेड ज़रूर आना चाहिए, मैक्सिमम आप दो तीन जितने मर्जी हों उससे हमें गर्ज नहीं है। एट लीस्ट का मतलब है कम से कम एक ज़रूर होना चाहिए। तो ये देखें यहाँ पे भी एक हेड है, तो ये हमने जहाँ पे नोट कर लिया, ये देखें आप आगे चलें तो यहाँ पे भी देखें एक हेड है, ये हमने यहाँ पे नोट कर लिया, और यहाँ पे देखें यहाँ पे भी एक हेड है, तो हमने ये यहाँ पे नोट कर लिया। अब यहाँ पे दो टेल्स हैं, हेड तो नहीं है, इसलिए इसको हम शामिल नहीं कर सकते। तो आप देखें इवेंट में ये कितने इवेंट हैं, 1, 2, 3, तो एन ऑफ ए कितना हो गया, 3। तो प्रोबेबिलिटी का जो फार्मूला है वो है एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस, नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ ए हमारे पास कितने हैं ये फिर देखें, 1, 2, 3 ये मैंने लिखे भी हुए हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, एन ऑफ ए हमारा क्या आया है, 3, और एन ऑफ एस टोटल आउटकम्स वो कितने हैं, वो है 4, और उसको 4 पे डिवाइड कर दिया, तो ये किसकी प्रोबेबिलिटी निकल आई है, ये ए की प्रोबेबिलिटी हमारे पास फाइंड हो गई है। अब अगर आप गौर इसका पेपर पार्ट बी देखें तो वहाँ उसने कहा है वन हेड क्या होना चाहिए जी, सिर्फ वन हेड होना चाहिए, एक हेड। तो आप सैंपल स्पेस में चले जाएं और देखें ये पहले में दो हेड है, लेकिन उसने हमें कहा है एक हेड होना चाहिए, दो नहीं होने चाहिए, तो ये नहीं आएगा। फिर इसके अगले वाले में जाएं तो यहाँ पे देखें एक हेड है और एक टेल है, इसका मतलब एक हेड यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे इसको हम नोट कर लेंगे। और इससे अगले वाले में चले तो एक टेल है और एक हेड है, इसका मतलब एक हेड आ गया, इसको भी हम नोट कर लेंगे। और इससे अगले वाले में देखें तो दोनों के ऊपर क्या है, टेल है, तो ये नोट नहीं होगा। तो वन हेड ये देखें, इसमें भी वन हेड है, इसमें भी वन हेड है, तो नंबर ऑफ बी मतलब बी में कितने इवेंट हैं, वो इवेंट हैं 2। तो प्रोबेबिलिटी का जो फार्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू एन ऑफ बी डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस, एन ऑफ बी हमारा 2 आया है जी, और डिवाइड कर देंगे एन ऑफ एस के साथ वो 4 आया है। तो इसको 2 के टेबल से सिंप्लीफाई कर दें, 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे पास आ गई है 1/2। आगे है जी क्वेश्चन नंबर 2, अ परफेक्ट डाई इज रोल्ड, लूडो के दाने की बात कर रहा है, जो आप अक्सर यूज करते हैं घरों में भी हम खेलते हैं लूडो, तो आजकल तो बल्कि इंटरनेट पे भी आप खेल रहे हैं, मोबाइल के ऊपर आप हैं, तो वहां पे आप गेम एज अ गेम के तौर पर इसको खेल रहे हैं, आप सारे जानते हैं। इंग्लिश में उसको डाई कहते हैं, जो लूडो का दाना है उसको डाई बोलते हैं। अगर क्वेश्चन ये है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट शो एन इवन नंबर। अच्छा, ये तो हमने फाइंड करना है, तो जो सबसे पहला जो काम करेंगे हम वो क्या बनाएंगे, सैंपल स्पेस। अब एक डाई के ऊपर जो पॉसिबल चांसेस हैं वो हमारा सैंपल स्पेस है, और पॉसिबल चांसेस आपको पता है डाई के ऊपर या तो 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो लूडो के दाने के ऊपर जो पॉसिबल चांसेस हैं वो 1 से लेकर 6 तक हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, सैंपल स्पेस हो गया। तो फिर हमारा एन एस
एन एस क्या होगा, वो 6 है। ये देख ले, 1 2 3 4 5 और 6, इस तरह हमारा एन एस क्या हो गया 6। अब जो हमने फाइंड करना है उसका नाम, देखिए मैंने नाम रख दिया है ए, जो इवेंट हमने फाइंड करना है उसका नाम मैंने ए रख दिया है, एन इवन नंबर। तो वो कह रहा है जी इवन नंबर होना चाहिए, इसके अलावा कोई और नंबर नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ सैम्पल स्पेस में जाके देख लेते हैं इवन नंबर हमारे पास कौन कौन सा है। तो क्या वन इवन नंबर है, वन ऑड नंबर है, टू इज इवन नंबर। इवन नंबर आपको पता है जो दो पे डिवाइड होते हैं उनको हम इवन नंबर बोलते हैं। तो टू हमारा इवन नंबर है, ये देखें यहाँ पे मैंने नोट कर लिया। इसके बाद थ्री इवन नंबर है, नहीं इवन नंबर नहीं है। फोर इवन नंबर है, बिल्कुल इवन नंबर है, यहाँ पे नोट कर लिया। इसके बाद फाइव इवन नंबर है, नहीं इवन नंबर नहीं है, वो ऑड नंबर है। सिक्स इवन नंबर है, वो यहाँ पे नोट कर लिया। तो नंबर ऑफ ए कितने हो गए हमारे पास, नंबर ऑफ ए हमारे पास हो गए जी 3। तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला बहुत ईजी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, हमने ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ए की, तो ए की प्रोबेबिलिटी है एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस। तो एन ऑफ ए हमारा कितना आया है 3, और एन ऑफ एस हमारे पास कितना है, वो है 6। तो 3 डिवाइडेड बाय 6, और इसको 3 के टेबल से सॉल्व कर लिया, 3 वन ज़ार 3 और 3 टू ज़ार 6, तो ये हमारे पास ए की प्रोबेबिलिटी निकल आई। अच्छा जी, आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, और इसमें है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट वन टेल। एट लीस्ट का मतलब आप यूँ समझ लें कि कम से कम एक, उसने ज़्यादा से ज़्यादा बात है, क्योंकि कहते हैं एक ज़रूर हो, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी मर्जी हो, एक टेल ज़रूर होनी चाहिए, एक टेल। तो हम एट लीस्ट का मतलब है एक टेल, हम एक को देखेंगे। वेन 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, अब 3 कॉइन टॉस्ड हुए हैं, तो इनका जो सैम्पल स्पेस बनेगा, सबसे पहले हम सैम्पल स्पेस बनाएंगे कि 3 कॉइन जब टॉस करेंगे, हम टॉस करेंगे तो उनका सैम्पल स्पेस क्या बनेगा। अच्छा, जब 3 कॉइन टॉस किए हैं तो इसके 8 चांस होंगे, 8 चांस। अच्छा, तीनों के ऊपर हेड आ सकता है, ये 8 चांस मैंने आपके सामने ये सैम्पल स्पेस बना दिया, ये 8 चांस बना दिया। तो एन ऑफ एस जो है वो हमारा 8 है। तो जो हमने फाइंड करना है उसका नाम मैंने ए रख दिया, इवेंट, इवेंट जो हमने काम करना है, जो फाइंड करनी है वो चीज़, उसका नाम मैंने रखा है ए, एट लीस्ट वन टेल। तो कहता है जी एक टेल ज़रूर होनी चाहिए। अब देखिए इस पहले में आ जाए ज़रा, तो यहाँ देखें यहाँ पे तीनों हेड हैं, कोई टेल नहीं है। तो दूसरे में आ जाए तो ये देखें दो हेड हैं और एक टेल है, इसका मतलब एक टेल आ गई जी, ये नोट कर लिया हमने। तीसरे में आ जाए तो यहाँ पे भी दो हेड हैं और एक टेल है, ये नोट कर लिया। अब चौथे में आ जाए तो एक टेल है और दो हेड हैं, तो हमने ये भी नोट कर लिया, एक टेल है ना, तो हमने नोट कर लिया। अब ये देखिए पांचवे में दो टेलें आ गई, तो एक टेल तो है ना, तो ये ज़रूर नोट होगा, ये देखिए हमने नोट कर लिया ये भी यहाँ पे। इसी तरह यहाँ भी देखें एक टेल है, दो है, लेकिन हमने देखना कि एक टेल मौजूद है, एक टेल है बिल्कुल, तो यहाँ पे इसको भी हमने नोट कर लिया। इस तरह देखें यहाँ भी एक टेल मौजूद है, इसको भी हमने नोट कर लिया, और यहाँ भी देखें 3 है, लेकिन हमें तो एक तो है ना, तो ये भी फिर यहाँ पे नोट हो जाएगा। इस तरह हम इसको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो एन ऑफ ए हमारे पास कितना आ गया जी 7। तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला फिर वही, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए डिवाइडेड बाई एन ऑफ एस। एन ऑफ ए हमारे पास 7 आया है, और उसको हम एन ऑफ एस हमारा कितना है वो 8 है, उससे डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। हाँ जी, आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ आ डाइस इज रोल्ड। अब फिर वो लूडो के दाने की बात कर रहा है कि डाइस रोल्ड हुई है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डैट। अच्छा, इसके दो पार्ट हैं, ये देखें, ए पार्ट में एन इवन नंबर अपीयर, ये इसमें, ये पहले भी हमने सवाल कर लिया, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 2 था इवन नंबर वाला, तो यहाँ पर रिपीट हो गया, इसको चले रिपीट कर लेते हैं। और इसका जो बी पार्ट है, नो डिविजिबल बाय 3। तो इसको स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले तो हम सैम्पल स्पेस बनाएंगे, और डाई का जो सैम्पल स्पेस है वो ये देखें, डाई के ऊपर 6 चांसेस होते हैं। कभी कोई आपने डाई देखी है जिसके ऊपर 7 हो या 8 हो? नहीं, डाई पे हमेशा 6 चांसेस होते हैं, 1 2 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारा एक डाई का क्या बन गया है सैम्पल स्पेस, और इसका एन ऑफ एस जो होगा वो कितना होगा जी
सिक्स होगा। तो अब जो इसका ए पार्ट है, एन इवन नंबर अपीयर्स, मैंने इसको देखा इसका नाम रख दिया है ए, ये हम इवेंट है हमारा इवेंट, कि हमने क्या करना है इवन नंबर की प्रॉबिलिटी फाइंड करनी है। तो मैंने इसका नाम रख दिया है ए। तो हम सैम्पल स्पेस में जाएंगे और वहाँ पर जाके देख लेते हैं कि हमारे पास इवन नंबर कौन कौन से हैं। ये देखें, दो चार छः हमारे क्या हैं, दो चार छः हमारे इवन नंबर हैं, ये यहाँ पे मैंने नोट कर लिए हैं, दो चार और छः। तो हमारा फिर एन ऑफ ए क्या आ गया, थ्री आ गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारा एन ऑफ ए डिवाइडेड बाई एन ऑफ एस इज इक्वल टू, एन ऑफ ए हमारा कितना निकला है थ्री, और एन ऑफ एस हमारे पास क्या है सिक्स। तो इसको आप थ्री के टेबल से थ्री वन जार थ्री टू जार, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी आ गई वन हो गई। अच्छा, इसका जो बी पार्ट है मैंने उसका देखे नाम बी रख लिया, नाम चेंज कर दिया, क्योंकि दो पार्ट थे, पहले का नाम ए रखा था, दूसरे का नाम बी। नंबर डिविजिबल बाय थ्री, क्या डिमांड कर रहा है वो, नंबर डिविजिबल बाय थ्री। तो आप सैम्पल स्पेस में जाकर देखें जी कौन कौन सा नंबर है जो तकसीम हो जाता है थ्री के ऊपर। तो ये देखें, पहले हमारे पास वन है, तो क्या ये डिवाइड होता है थ्री पे, नहीं बिल्कुल नहीं, तो ये काउंट नहीं होगा। अब उसके बाद टू है, तो क्या टू जो है वो तीन पे डिवाइड होता है, बिल्कुल नहीं डिवाइड होता। इसके बाद थ्री है, तो थ्री थ्री पे डिवाइड होता है, ये साथ ही देखें मैंने इसको नोट कर लिया। फोर भी जो है वो थ्री पे डिवाइड नहीं होता, इस तरह फाइव भी जो है वो थ्री पे डिवाइड नहीं होता, हाँ जी सिक्स जो है वो थ्री पे डिवाइड होता है, और ये देखें मैंने साथ ही इसको क्या कर लिया है, नोट कर लिया है। तो देखिए बी के अंदर जो टोटल पॉइंट्स आए हैं वो कितने आए हैं जी, एक और दो। तो एन ऑफ बी जो है वो हमारा कितना हो गया है, टू हो गया। अब प्रोबेबिलिटी का फार्मूला, अब देखिए इवेंट बी है ना, तो देखिए मैंने यहाँ पे भी साथ ही चेंज कर दिया है क्या है बी। अगर यहाँ पे ए था, इवेंट ए था, तो यहाँ पे ए लिख दिया, अब इवेंट क्या है बी है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है बी। फार्मूला वो ही होगा सेम, एन ऑफ बी हो जाएगा, यहाँ पे ए था तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, क्योंकि बी की प्रॉबिलिटी फाइंड करनी है तो यहाँ पे बी आ जाएगा, और डिवाइड किससे कर देंगे, नंबर ऑफ एस के साथ। तो एन ऑफ बी देखें ऊपर हमारा कितना आया, दो, ये देखें दो यहाँ पे लगा दिया, और एन ऑफ हमारा एस कितना है सिक्स, और ये देखें मैंने सिक्स से डिवाइड कर दिया। ये टू के टेबल से सिंप्लीफाई हो रहा है, टू वन जार और टू थ्री जार सिक्स, तो ये हमारे पास बी की प्रॉबिलिटी फाइंड आ रही है। तो आज मेरा ख्याल है ये इतना लेक्चर आपके लिए बहुत है, चार क्वेश्चन बहुत हैं, आप इनकी प्रैक्टिस करें, इनको समझें, अगर कोई मसला होगा तो आप मुझसे ज़रूर रब्ता करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।